छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला के अंतर्गत आने वाले कुरुत तहसील के अंतर्गत में एक दिव्य दरबार लगता है। और दिव्य दरबार ऐसी दरबार है जहां लोगों की हुजूम देखने को मिलती है, और हुजूम आपको सामने दिखाएंगे। पहले जिस तरीके से लोगों की जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं अपनी जो समस्याएं हैं उनकी समाधान करवाने के लिए जो प्रेम साई जी महाराज हैं उनके पास पहुंचते हैं, और निश्चित तौर पे उनकी जो समस्याएं हैं वो लगातार समाधान होती है। महाराज जी हमारे साथ में है, महाराज जी से ही जानते हैं। महाराज जी, ये जब दिव्य दरबार आप लगाते हैं कैसी कैसी समस्याओं को लेकर के आपके पास में आते हैं और कैसे पहुंचते हैं आपके पास? देखिए, सबसे पहले तो लोग यहाँ पर आते हैं पर्चा बनवाने के लिए कि उनके जीवन में जो विघ्न है वो क्यों है। वो आत्मिक हो सकती है, शारीरिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है, भौतिक हो सकती है, प्रेत बाधा होता है, तंत्र बाधा होता है। और तंत्र बाधा के लिए तो बहुत ज्यादा स्पेशल हमारा दरबार है, क्योंकि माँ मातंगी जो है तांत्रिक सरस्वती है, और इनके सामने सृष्टि का ऐसा कोई तंत्र नहीं है जो इनके सामने टिके, क्योंकि ये तांत्रिक सरस्वती है, यही से तंत्र की उत्पत्ति है और यही पे समाप्ति है। तो तंत्र बाधा वाले लोग भी आते हैं, प्रेत बाधा वाले आते हैं, शारीरिक कष्ट है वो लोग आते हैं, मनोकामनाएं होती है तरह तरह की, किसी का विवाह नहीं हो रहा होता है, स्वास्थ्य से संबंधित लोग होते हैं, नौकरी से संबंधित, व्यापार से संबंधित लोग यहाँ आते हैं। अच्छा, थोड़ा से चलते वॉकिंग करते ही चर्चा करते हैं। मेरा पहला सवाल यही है कि पहली जो माता हैं उनकी थोड़ा परिचय। आपके सामने जो माता रानी दिख रहे हैं ये हैं बगलामुखी माता, और इन माता को इसलिए पूजा जाता है जो आपके शत्रु है शत्रुओं का पतन करती है। अगर आपके शत्रु बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, शत्रु बाधा है, शत्रु परेशान कर रहे हैं, तो इनका अनुष्ठान करने से जो आपके शत्रु है उनका दमन हो जाता है, वो आपसे शत्रुता छोड़ देते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर जो बीच में है माता उनकी अगर बात की जाए, चर्चा की जाए, तो फिर ये माता की स्वरूप किस तरीके से रहती है और किस तरीके से? ये माँ मातंगी है, 10 महाविद्या में से 9वीं महाविद्या है, और इन्हें तांत्रिक सरस्वती भी कहते हैं, नील सरस्वती भी कहते हैं, विद्या की देवी है। कला आदि क्षेत्र में जो लोग हैं जो इनको पूजते हैं तो उनको सफलता की प्राप्ति होती है, और भौतिक सारे सुख प्रदान करने वाली ये देवी है। और भगवान विष्णु जो है इस सृष्टि के पालनकर्ता है, तो भगवान विष्णु ने जो है इनको सर्वप्रथम पूजा था, मतलब देवताओं में माँ मातंगी को सर्वप्रथम पूजने वाले जो है भगवान विष्णु थे, इसलिए आज जो है उच्च स्थान पर विराजमान है इन्हीं के आशीर्वाद से। और ये माँ मातंगी ऐसी है, इनसे जो है साक्षात शिव जी ने मतंग महादेव का रूप धारण करके गुरु दीक्षा प्राप्त की थी। और माँ मातंगी एक ऐसी देवी है, इनको उच्चिष्ट चांडालिनी का भी इनका एक रूप है जिसमें पूजा जाता है। तो उच्चिष्ट चांडालिनी के रूप में अगर आप इन्हें पूछते हैं तो झूठन का भोग चढ़ाया जाता है, क्योंकि मान्यता ऐसा है कि कई चांडाल स्त्रियां थी, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए उनके भाव को जो है माता रानी ने समझा और उनके लिए उच्चिष्ट चांडालिनी का रूप धारण करके उनका झूठा भोग ग्रहण किया था, इसलिए उच्चिष्ट चांडालिनी भी इनका एक रूप है। अच्छा, अगर तीसरी माता की अगर बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो किस तरीके से लोगों की और किस तरीके से सिद्धि प्राप्त कर माता है? देखिए, आपके सामने जो माता रानी दिख रही है यह है माँ छिन्नमस्ता, और इनके साथ जो है जया विजया है। इनको जब भूख लगी थी तो माता रानी ने अपना गला काट के इनकी जो है भूख मिटाई थी अपने रक्त से। और ये जो माता रानी है ये शत्रुओं का नाश करती है, जीवन में आने वाले हर बाधाओं का नाश करती है, तांत्रिक विद्याओं का नाश करती है, लेकिन ये देवी उग्र भी है। तो अगर इनका कोई साधक है अगर वो कुछ गलती करेगा तो वो उन्हें दंड भी देती है, यानी जैसे माता पिता अपने बच्चों को दांत फटकार कर एक दो थप्पड़ लगा के सुधारते, वैसे माता रानी जो है इनका परम साधक भी अगर होगा, अगर गलती कर रहा है तो दंड देंगी और सुधारेगी, ऐसा है, माफी नहीं है यहाँ। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल ये है कि ये जो हरे भरे देख रहे हैं ये किस तरीके से, किसके पत्ते हैं और इनकी उपयोगिता किस तरीके से है, और इसकी जो चढ़ाया गया है इसकी मान्यता किस तरीके से? देखिए, यहाँ पर जो है माँ मातंगी विराजमान है, माँ मातंगी को प्रकृति के साथ जोड़ा जाता है, पूरी सृष्टि मतलब माँ मातंगी, पूरी सृष्टि माँ मातंगी में समाहित है, तो इसलिए जो है पूरा हरा भरा जो है रोज माला इधर चढ़ाया जाता है अलग अलग पत्तों का अलग अलग। अच्छा, एक बात मन में और सवाल है, छत्तीसगढ़ के लोग बहुत कम दिख रहे हैं, छत्तीसगढ़िया लोगों को जोड़ने के लिए किस तरीके से विधा अपनाएंगे? नहीं, देखिए छत्तीसगढ़ के बहुत लोग हैं, बहुत है, अब हाथ दिखाइए छत्तीसगढ़ के कितने लोग हैं, वो देखिए बहुत से लोग हैं,
हालांकि इसका प्रचार जो है यूट्यूब के माध्यम से और इंस्टाग्राम के माध्यम से होता है, पूरे दूर दूर से लोग हैं, महाराष्ट्र से है, साउथ से लोग हैं, यूपी से है, राजस्थान से है, सब तरफ से, यहाँ तक कि नेपाल से भी लोग हैं। नेपाल वाले भी है ना कुछ लोग? हाँ, नेपाल के भी लोग। हाँ, नेपाल वाले कौन है? वो उधर, वो देखो, नेपाल से आया। यहाँ जर्मनी से भी लोग आते हैं, कनाडा से लोग आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। अब ये जो गांव है, ये गांव नहीं रहा, ये पूरे विश्व में फैलता जा रहा है ये गांव का नाम। अच्छा, मेरा अंतिम सवाल यही था कि ऐसी कुछ जो तथ्य है जो छूट गया है, जो हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने जो भक्त हैं उनको बताना चाहे, जो जिसके बारे में जिक्र हो। सबसे पहली बात, दो बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, अर्थ के बिना व्यवस्था नहीं है और व्यवस्था के बिना अर्थ भी नहीं है। तो जैसे आपने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों को आप कैसे जोड़ रहे हैं या कैसे जोड़ना चाहेंगे, तो सबसे पहली बात देखिए, इतना बड़ा निर्माण कार्य हो रहा है, ये अर्थ के बगैर तो नहीं होगा। तो हमारे यहाँ पे जो है निःशुल्क दरबार भी लगता है और पेड दरबार भी लगता है। जो पेड दरबार में आने की क्षमता रखता है या जो जल्दी अपना कार्य कराना चाहते हैं, वो पेड दरबार में आते हैं और उसी निधि से इसका निर्माण कार्य हो रहा है। और जो निःशुल्क दरबार है उसका पूरा लाभ छत्तीसगढ़ के लोग ले रहे हैं। यहाँ पूजा में लगने वाली सामग्री, हवन में लगने वाली सामग्री, सारी चीज निःशुल्क दी जाती है। अब घंटी के बारे में अगर चर्चा करते हैं, आपको लंबी कतार भी दिख रही है, यहाँ अलग अलग एंगल में ताला लगे हुए घंटी दिखाई पड़ रही है, ये घंटी का अगर बात की जाए तो ये किस तरीके से मान्यता प्राप्त? देखिए, ये जो घंटी है ये जब भी यहाँ पर आते हैं, दूसरे पेशी पे घंटी बांधने की यहाँ पे प्रथा है, वो इसलिए क्योंकि उनके ऊपर जो संकट है, संकट से माता रानी बचाव करती है और कुछ दरबार की शक्तियां उस घंटी पे विराजमान हो जाती है और वो उस कार्य में लगी रहती है कि उस व्यक्ति के ऊपर आने वाले जो संकट है उससे लगातार उनको बचाते रहती है, अकाल मृत्यु से बचाती है, यानी रक्षा करती है। कौन कौन से, किस तरीके से रक्षा करती है? अकाल मृत्यु से हो गया, वाहन दुर्घटना से हो गया, कोई संकट आने वाला है तो उसकी सूचना आपको आत्मिक माध्यम से पता चलेगी, आपके अंदर जो है ऐसी चेतना आएगी, ऐसी प्रेरणा मिलेगी कुछ होने वाला है और उससे आपको रोकेगी, तो ये उसके लिए, ये सुरक्षा के लिए है। अच्छा, ये जो मैं जमीन को भी देख रहा हूँ, बकायदा गोबर से लिपा हुआ है, तो गौ पालन भी होता है क्या? नहीं, गौशाला तो उड़ीसा में है और जल्दी यहाँ पे गौशाला का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पे गौ सेवा भी होगी और जो यहाँ पे आएंगे दरबार में उनको कंपलसरी ये रहेगा कि वो पहले जाके गौ सेवा करे, उसके बाद ही वहां से पर्ची लेके आएंगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन होगा, उसके गौ सेवा के बगैर रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा। क्योंकि हर एक मंदिर में आजकल टाइल्स, मार्बल ये देखने को मिल रहे हैं, सबसे यूनिक बात यह है कि यहाँ बकायदा गोबर से पुताई हुई हुई है और ये सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, नकारात्मक ऊर्जा इससे दूर होती है। अभी आप इसके ऊपर चल रहे होगे तो एक आपको अलग अनुभूति महसूस हो रही होगी, तो इसकी एक अलग ऊर्जा होती है। लंबी बहुत सारे जो नारियल बंधे हुए हैं, इनकी किस तरीके से मान्यताएं हैं और किस तरीके से इसको लोग बांधते हैं? अब देखिए, इसमें आपको काले रंग का नारियल दिखाई दे रहा होगा, ये जो काले कलर का कपड़े में बांधा हुआ है, ये नारियल आमतौर पर जो है प्रेत बाधा से मुक्ति वाले भी बांधते हैं तथा संकट निवारण के लिए भी बांधते हैं और शनि ग्रह से जो परेशान है, साढ़े साथी से, काल सर्प दोष से, वो लोग भी बांधते हैं। अच्छा, इसमें अलग अलग कलर है? हाँ, सफेद है, पीला है, लाल है, काला है, ये चार कलर दिख रहे हैं, चारों का अर्थ किस किस तरीके? ये जो लाल नारियल है ये मनोकामना पूर्ति के लिए है, जो आपकी मनोकामना है वो पूरी हो उस लिए बांधते हैं, कोई विवाह की कामना से बांधता है, अलग अलग कामनाएं होती है सबकी। और ये जो पीला नारियल है ये लोग आकर यहाँ पर बांधते हैं और अगली बार जब आते कोई भी एक नारियल खोल के ले जाते हैं, तो इसमें जो है ऐसी मान्यता है कि माता रानी की ऊर्जा इसमें विराजमान होती है और वो ऊर्जा उनके घर जाती है, तो माता रानी की ऊर्जा जो है उनके घर में प्रवेश करती है इससे। अच्छा, ये सफेद वाली? सफेद वाली पितृ दोष के मुक्ति के लिए, जो पितृ दोष लगा हुआ है, पितृ प्रेत योनि में है या पितृ बाधा है, तो उसके मुक्ति के लिए। और ये काले कलर की अगर बात, वो प्रेत बाधा होगा या संकट निवारण या फिर शनि की साढ़े साथी चल रही हो, काल सर्प दोष हो, उसके लिए बांधा जाता है। अच्छा, और ऐसी कुछ चीजें जिसको यहाँ की जो मान्यता, दीपक बहुत सारे दिख रहे हैं? अभी तो नहीं है, लेकिन जब जब रात के समय आप यहाँ आएंगे, शाम के समय, तो आपको बहुत सारे दीपक जले हुए दिखेंगे। ये देखिए, यहाँ पे भी एक नीले कलर का नारियल दिख रहा है,
ये भी शनि देवता के लिए बांधा गया है। देखिए ये जो अभी मंदिर आप देख रहे हैं ये पूरा नहीं है, ये अधूरा निर्माण कार्य है, ये गर्भगृह है। अब इसके ऊपर एक विशाल गुंबद होगा और सामने एक बड़ा सभागृह होगा, तो इस तरह से ये मंदिर बनेगा। ये अभी अधूरा, ये गर्भगृह है, मंदिर नहीं कह सकते, मुख्य मंदिर है ये अभी। हाँ, पूरा मंदिर बनना है तो अब सबको जो है गर्भगृह के अंदर जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि पवित्रता का बहुत ध्यान रखना होता है। क्योंकि कोई कैसे भी पैर से आ जाता है, कपड़े ठीक है नहीं है, स्नान किया है या नहीं, कपड़े धुले है या नहीं, बहुत सी बातें होती है, इसलिए जो इस रेलिंग के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। तो यही से दीपक जलाते हैं और माता रानी को अर्पित किए इस तरह से यहाँ दीपक जलाया जाता है। और दीपक जला के आपके मतलब जीवन में जो नकारात्मकता है उससे मुक्ति मिले इस कामना से लगाया जाता है, या अर्जी जो है जल्दी स्वीकार हो। दीपक इसलिए भी लगाते हैं कि गुरु जी को आप प्रेरणा दो कि हमें उठा ले, हमारा नंबर लग जाए, तो प्रेरणा देने के लिए भी कामना करते हुए दीपक जलाते हैं। और भविष्य में किस किस तरीके से आगे कार्य प्रयोजन रहेगा उसके बारे में विशेष चर्चा नहीं हो पाई, किस तरीके से कार्य विवेचना रहेगा आगे चल के? और कौन जो कार्य है ये एक ही है कि हम ये चाहते हैं कि सनातन धर्म मजबूत बने, और हम ये चाहते हैं कि ये जो दरबार का जो है ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ ले सके। और आजकल जो है तंत्र बाधा से पीड़ित है, प्रेत बाधा से पीड़ित है। देखिए हम एक तरफ बोलते हैं कि भूत प्रेत नहीं होते, इसे अंधविश्वास भी कहेंगे कुछ लोग, लेकिन मैं तर्क देकर बोलूंगा, जब आप मानते हैं कि भगवान है, हमारे शास्त्रों में वर्णित है भगवान है, ग्रंथों में लिखा है भगवान है, आप भी मानते हैं, कानून भी मानता है भगवान है, फिर आप ये क्यों नहीं मानते कि प्रेत है? और प्रेत क्यों परेशान नहीं कर सकता किसी को? प्रेत है, देखिए अगर भूत प्रेत राक्षस ये नहीं है, असुर नहीं है, तो रामायण नहीं हो सकती है, महाभारत नहीं हो सकती है, ग्रंथ एक तरफा नहीं चल सकता। इस समाज में अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी है, तो ठीक उसी तरह भूत प्रेत है, इनका अस्तित्व है और ये हमारे जीवन में अपना प्रभाव डालते हैं। और आगे जो है धर्म के लिए मजबूती से कार्य करना है। अच्छा, कुछ ऐसे विषय हैं जैसे कुछ युवा आ जाते हैं और बोलते हैं मैं भूत प्रेतों को नहीं मानता हूँ, खासतौर से आधुनिकता के युग में कोई विश्वास ही नहीं करना चाहता। ऐसे लोगों को किस तरीके से समझाना पड़ता है? बहुत चुनौती रहती होगी? नहीं, चुनौती नहीं रहती है, बस उनके गर्लफ्रेंड का नाम बता दो, खत्म हो गया, बस गर्लफ्रेंड का नाम बोलो, नतमस्तक हो जाते हैं। हाँ। तो ऐसे आए हैं एक आध केस? कई लोग आए हैं, अनेकों प्रकार की चुनौती भी देते हैं। हम यही बोलते हैं, चुनौती देने वालों को यही बोलते हैं, छेड़ो नहीं, है ना, आस्था और श्रद्धा से आओगे तो निश्चित रूप से हर सवाल का जवाब मिलेगा, छेड़ने के हिसाब से आएंगे तो फिर पूरी कुंडली खोली जाती है, फिर कहीं के नहीं रहते ऐसे। हम तो यही चाहेंगे कि सारे जो युवा है सनातन धर्म के प्रति आगे बढ़े और अपने धर्म पे विश्वास करिए, क्योंकि सनातन धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है, और बड़े भाग्य से जो है सनातन धर्म मिलता है, सनातन धर्म में आपने जन्म लिया उसके लिए भी पुण्य लगते हैं। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल यही है कि ये हम हर युवा से ये कहेंगे, हिंदू राष्ट्र की मांग, ये मेरा हिंदू राष्ट्र है, था, है और रहेगा, बस सिर्फ घोषणा होनी बाकी है। ये मेरा अंतिम सवाल ये है कि गर्भ गृह का निर्माण जो करने जा रहे हैं ये कब तक पूर्ण हो जाएगा और ये किस तरीके से सहायता मिल रही है जिसके कारण ये निर्माण? अभी देखिए वैसे देखा जाए तो अंदर का भी कार्य पूरा नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे विशेष मुहूर्त होते हैं जिस समय स्थापना करनी जरूरी थी। अगर मैं इसको अभी स्थापना नहीं किया होता तो 6 साल तक समय नहीं था स्थापना करने, क्योंकि तीनों माता रानी को एक साथ स्थापना करनी थी और तीनों की स्थापना एक दिन में हो ऐसा मुहूर्त नहीं था 6 साल तक, तो इसलिए मुझे जो है पहले स्थापना करनी पड़ी। अब धीरे धीरे अंदर का भी कार्य चल रहा है, अंदर जो है पूरा लकड़ी से इसको सजाया जा रहा है, लकड़ी के ऊपर वर्क किया जा रहा है, फिर उसके ऊपर चांदी चढ़ाई जाएगी, फिर इसको सजाया जाएगा अच्छे से। अच्छा, शासन द्वारा मदद भी कई बार ऐसा होता है कि ऐसा कुछ मांगे क्या, मदद वगैरह जो शासन कर सके? देखो सबसे बड़ी सरकार यहाँ बैठी है, इससे बड़ा शासन कहाँ है? ये चाहेगी तो वो शासन बनेगा, ये चाहेगी तो हर चीज होगा, तो आज तक हमने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, माता रानी की इतनी कृपा रही है, मैं मन में सोचता हूँ माता रानी ये कार्य हो जाए वो हो जाता है। मैं आज तक बताऊं इस पूरे दरबार में 5 लाख रुपए से ऊपर का दान नहीं है, लेकिन फिर भी जो
पेड़ में जो लोग आते हैं, जो भी लोग अपनी दक्षिणा दे रहे हैं, उससे ये निर्माण हो रहा है। और मैं ये गर्व से कह सकता हूँ, जब मैं रात में सोता हूँ तो मैं चैन से सोता हूँ। माँ मातंगी दिव्य दरबार में है और गुरु जी प्रेम साई जी महाराज साथ में। गुरु जी पहले तो प्रणाम। दूसरा मेरा यही है विषय कि कितने लोग इतना विश्वास से आपके पास आ रहे हैं, सब लोगों की आप मदद करते जा रहे हैं, कैसे ये जो दिव्यता आप में पाई गई, पहले कैसे अनुभव हुआ आपको, कैसे पता चला कि आपके अंदर दिव्य? देखिए, मैं अपने गुरुदेव के सानिध्य में 14 साल रहा हूँ और माँ मातंगी, माँ छिन्नमस्ता और माँ बगलामुखी माता जी की जो है साधना की है, और उस साधना के माध्यम से जो है हम यहाँ तक पहुँचे। ये चालू है कि ये चाहिए? हाँ, तो साधना के माध्यम से जो है यहाँ तक हम पहुँचे हैं। माता रानी से जो है, जो सामने बैठे हुए व्यक्ति के बारे में मैं बोलता हूँ कि माता रानी इसके बारे में मुझे ज्ञान दीजिए, इसके जीवन में क्या दुख है, और जो प्रेरणा मिलती है वो हम पर्चे पे लिखते जाते और वो 100% सत्य होता है। अगर ऐसा कुछ दिव्य शक्ति है जो आप कहीं कृपा बरसाएं और अगर वो व्यक्ति अगर लिख दे कहीं, ऐसा कुछ प्रमाणित होता है? क्योंकि कई ऐसे दरबार लगते हैं जिसमें हर कोई पर्चा बना, कोई भी व्यक्ति आता है और पर्चा बना करके लिख करके दे देता है, वो सत्य साबित हो जाता है। क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि अगर आप इनको ही आशीर्वाद दें और कोई लिख दे, ऐसा कुछ प्रमाणित कर सकते? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मैं जो पर्चा लिखता हूँ इस तरह कोई और लिख सके जी। मतलब अगर आप किसी को उठाएंगे वो पर्चा लिख दे ऐसा जी। तो अगर आप किसी को उठाएंगे तो वो पर्चा जरूर लिख देगा निश्चित रूप से, पर आपके पीछे जो ऊर्जा है वो ऊर्जा थोड़ी डाउन है, उसको मुझे बढ़ाना पड़ेगा, तो उसके लिए कम से कम 1 घंटा आपको वेट करना पड़ेगा। 1 घंटे के बाद आप जरूर त्रिकालदर्शी बन जाएंगे। अच्छा, क्या मैं पर्चा लिख सकता हूँ, ऐसा कुछ संभव है? बिल्कुल, 1 घंटा आप प्रतीक्षा करेंगे तो जरूर आप पर्चा लिख पाएंगे। तो मैं अगर उल्लेख करता हूँ तो किस तरीके से उल्लेख करूंगा, किस तरीके से मेरे अंदर दिव्य शक्ति का प्रवेश? देखिए, जब मैं आपके ऊपर जो है माता रानी की अर्जी लगाऊंगा कि आपके ऊपर उनकी ऊर्जा आए और सनातन धर्म का जो शक्ति है वो जग जाहिर हो, लोग देख सके, मैं प्रार्थना करूंगा, और उसके बाद जो है आप ध्यान करेंगे माता रानी का। ध्यान करने के बाद आपके मन में जो विचार आएंगे, जो ध्वनि तरंगे आएंगे, जो संकेत आएंगे, उसको आपको लिखते जाना। फिर वो जो कुछ हो, आपको कुछ तोड़ना मरोड़ना नहीं है, जो मन में आता जाएगा उसे बस लिखते जाना, जैसा मन में आएगा वैसा लिखेंगे, अपने हाथ से कुछ भी नहीं लिखेंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पे आप प्रैक्टिकल करते हैं कि आखिर में ये वास्तविकता भी हो पाता है कि आखिर नहीं। बिल्कुल निश्चित तौर पे गुरु जी, फिर पहले तो आप टैग दिखा दीजिए कि ये कोई डिजिटल टैग तो नहीं है, एक बार चेक करा दीजिए, पर्चे हटा के आप पूरा दिखा दीजिए कि टैग जो है वो डिजिटल तो नहीं है, नीचे कुछ मशीन तो नहीं लगी है, सब देख लीजिए। ये पूरा बोर्ड भी दिखा दीजिए, तो उसमें कोई डिजिटल तो नहीं लगा है। ये पूरा ब्लैंक है और इसमें पूरा क्रमांक से लेकर के तमाम तरह के जो उल्लेख हैं वो किया गया है, दिशा निर्देश भी शामिल किया गया है। साथ ही साथ अगर बात किया जाए इसको पेट को लेकर के, तो ना ही ये डिजिटल है और ना ही अन्य तरह के उपकरण इसमें समाहित है। निश्चित तौर पर आप देखते हैं कि इसमें किस तरीके से उल्लेख किया जाता है। फिर जी गुरु जी, अब इसमें इस तरीके से उल्लेख किया जाता है कि क्या इसमें वास्तविकता रूप में जो उल्लेख कर रहे हैं, जो मेरे मन में विचार आया है उनका मैं नाम लिखता हूँ, क्या वो सच में उपस्थित होंगे कि नहीं होंगे,
वो भी अब इसमें चमत्कारी के तौर पे भी देखना एक विषय रहे, क्योंकि जहाँ तक मेरे मन में जो विचार आ रहा है और जिस तरीके से जिज्ञासा आ रहा है वो यहाँ उपस्थित भी होना बेहद जरूरी है, और अगर उपस्थित नहीं होता है तो स्वप्रमाणित भी होगा कि क्या आखिर क्यों नहीं और किस तरीके से, ये भी स्पष्ट रूप से हो जाएगा। अब इसमें मेरा मानना है कि जिस तरीके से मैं जो उल्लेख किया हूं इसमें, इस जो पेड़ है उसमें, अब इसमें क्या वह व्यक्ति उपस्थित है या नहीं है ये भी एक चैलेंजिंग है, और इसके साथ साथ जो मेरे को जो समझ में आया, जो मेरे मन में आया, मैं वो समस्याएं लिख दिया हूं। तो गुरुजी फिर ये मेरा जो मैं लिखा हूं वो है, अब देखते हैं कि इसमें कितना प्रमाणित हो पाता है। करण सिंह करके कोई है? करण सिंह नाम आगे बोलते हैं। करण बहन का नाम मोनिका सिंह, मोनिका साहू। अच्छा, जीजा का नाम अरुण। जोर से बोलिए, माइक चालू करिए। जीजा नहीं तो दामाद है, उनका नाम अरुण। अच्छा, दामाद है। जीजा और दामाद एक ही होता है। अच्छा, तो ब्यूटी पार्लर का व्यवसाय है। गुरुजी आपको भी प्रणाम है और आपके भक्तों को भी प्रणाम है। ये कैसे, ये अब एक बात तो स्पष्ट है कि ये होता किस तरीके से चमत्कारी, इसको माने फिर ये चमत्कार मतलब माता रानी की कृपा है। माँ ने चाहा करके आप पर्चा बना पाए, अगर माँ नहीं चाहती तो आप पर्चा नहीं बना सकते, ये कृपा है। और उसके लिए कुछ ऐसे मनुष्य के कर्म भी होने चाहिए, हर व्यक्ति ये नहीं लिख पाएगा, ये भी मैं बोल रहा हूँ। अगर आप नहीं लिख पाते तो मैं आपको साफ मना कर देता कि आप पर्चा नहीं लिख पाएंगे। अच्छा, तो कोई अगर आपसे अगर सिद्धि प्राप्त भी करता है, अगर कोई व्यक्ति आकर आपके पास आकर के सिद्ध, हम ये सिद्धि नहीं देते हैं, क्योंकि ये अपने कर्मों का और साधना का नतीजा है। ये कुछ समय के लिए जरूर जो है मैंने आपको इस ऊर्जा का जो है ज्ञान प्रदान किया है ताकि सनातन धर्म की शक्ति को लोग पहचान सके, इसे ज्यादा समय के लिए किसी को दे नहीं सके, कुछ समय। तो बिल्कुल निश्चित तौर पे जो दरबार लग रहा है और दरबार की जो प्रामाणिकता है और यहाँ तक के चमत्कारी जो विधाएं हैं वो निश्चित तौर पे देखने को मिली और हमको अनुभूति भी हुई कि किस तरीके से चमत्कारी हो रहे हैं और लोग जुड़ते जा रहे हैं, ये भी स्पष्ट होते जा रहे हैं। क्योंकि रायपुर के निवासी हैं ना, इनके बारे में मेरे को जानकारी है ना ही इनके इनसे कभी मुलाकात हो पाई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मन में जिज्ञासा था, जो दिमाग में आया, मैं वही उल्लेख किया। हमेशा से ही राधा रानी एक दिमाग में विचार आया तो नहीं लिख दिया जाए, ये उल्लेख हुआ तो लिख दिए गए। अब इससे स्पष्ट है कि आखिर किस तरीके से चमत्कार हो रहे हैं और लोग जुड़ते जा रहे हैं, ये भी एक दरबार का चमत्कार है। नहीं, देखिए हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर कार्य कर रहा है, वो सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं। और मैं कहूंगा कि मेरे जैसे और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग हर घर में पाए जाएंगे। हर सनातनी के घर में एक धीरेन्द्र शास्त्री है, हर सनातनी के घर में एक प्रेमासाई महाराज, बस समझने की जरूरत है। और इसी तरह हम कहेंगे कि अनेक धीरेन्द्र शास्त्री आ गया है, अनेक प्रेमासाई महाराज आ गया है जो इस सनातन धर्म को आगे बढ़ाते चले। और समस्याओं का समाधान किस तरीके से मिल रहा है, आइए उन्हीं लोगों से जानते हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से आई हूँ। किस समस्या को लेकर के महाराज जी? मैं तंत्र बाधा से बहुत ज्यादा पीड़ित थी और उसी समस्या को लेकर यहाँ आई थी। आप कौन सी समस्या मिली, समाधान मिल पाया? जी, मैं जब गुरुजी के पास गई थी तो मैं बैठ भी नहीं पाती थी, मेरे अंदर जो चीजें थी वो मेरे ऊपर हावी हो जाता था, मैं गुरुजी से बात भी नहीं कर पाती थी। पर जब मेरा अक्टूबर में तंत्र काट हुआ उसके बाद से अभी तक मुझे मेरे शरीर में कोई चीज प्रवेश ही नहीं कर पा रहा है, हावी ही नहीं होता है। अच्छा जी, मैं मतलब बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और अभी यहाँ 10 दिन से हूँ और मुझे तो अभी घर जाने का ही मन नहीं कर रहा है, मतलब इतना अच्छा लग रहा है जैसे लग रहा है कि मैं अपने माँ के घर ही आई हूँ। मैं बहुत परेशान थी अपने ससुराल में, जब शादी होके गई थी तो बहुत पीड़ित थी मैं तंत्र बाधा से, और आज गुरुजी के पास मैं आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, समस्या का समाधान हो पाया? हाँ, बहुत अच्छे तरीके से हुआ है।
मेरा पर्चा निःशुल्क दरबार में बना था जबलपुर में, तो मुझे काफ़ी महसूस अच्छा हुआ। यहाँ पे आंतरिक शक्ति जो रहती है, आध्यात्मिक चीज़ है, यहाँ पे पूरा सही सही बताते हैं गुरुजी, जो भी रहता है पूरा ए टू जेड, कोई बीमारी हो, तंत्रवादा हो, ए टू जेड चीज़ें यहाँ पे समस्या का समाधान होता है। मैं गुरुजी के पास आके बहुत खुशी में, इसके शादी जब से होके आई तब से बहुत पीड़ित थी ससुराल में। इसके बाद मुझे बहुत इधर उधर भटकी, बट गुरुजी के पास जब से मैं आई हूँ तब से मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, मुझे फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है। हमारे तो बेटे की तलाक चल रही थी, सेकंड संबंध भी आ गया था, पर गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया पूजा से, तुरंत उसने कैंसिल करके घर वापस आई। तो इससे हम लोग बहुत खुश हैं, और हम तो हमेशा आते रहते हैं काम के, बिना काम के हम रायपुर में रहते हैं तो आते रहते हैं, जैसे लगता है अपनी माँ के घर जा रहे हैं। देवी उबी का परेशानी था, उसके साथ में गलत साथ में था, उसने शरीर में बीमारी के तौर पे परेशानी हमको शरीर में होता था। अब और घर में कोई विश्वास नहीं करता था, डॉक्टर भी दवाई से नहीं ठीक कर पाता था, लेकिन यहाँ पे जब से आए हैं तब से हम शरीर से स्वच्छ हैं, घर में भी बाल बच्चे सब ठीक है। शारीरिक रूप से भी इनकी दिक्कतें थी और दवाइयाँ इन पर असर नहीं करती, जैसे किडनी की समस्या हुई थी, तो किडनी के बाद ये हुआ कि इनके जो इलाज जो चल रहा है उसमें समस्याएं उभरती जा रही थी, कोई आराम नहीं लग रहा था। गुरुजी के पास आए, इस समय किडनी जो है इनकी स्वस्थ हो गई है, काम कर रही है। दरबार में यूट्यूब पे मैं वीडियो देखा, मैं 2 साल से बेड पे था, मेरा स्वास्थ्य काफ़ी ख़राब था, दवा करके थक गया था, अकाल मृत्यु की संभावना थी, और मैं वीडियो देख करके उड़ीसा माँ मातंगी धाम में पहुँचा, और जब तंत्र काट हुआ तो पहले ही तंत्र काट में 50% हमको आराम मिला, और उसके बाद मैं ताकत भी शरीर में नहीं था, काफ़ी आराम है, और मैं इस समय चौथी पेशी पे आया हूँ। मेरा तो बहुत सारा समस्या था, और मेरा लड़की बहुत तबियत खराब था, बहुत आरामदायक है, बढ़िया है। बिल्कुल निश्चित तौर पे सनातन धर्म को लेकर के प्रेम साई जी महाराज का कहना है कि हर एक घर में हो, और सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए हर एक विकल्प अपनाने की जो तैयारी है वो निश्चित तौर पे भारत में होनी चाहिए। कैमरा पर्सन दीपेश के साथ अखिलेश तिवारी, ANB News, रायपुर।